प्यारे बच्चों, हम 8वीं कक्षा में जो द सुनामी चैप्टर है उसको हम रिवीजन कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं सबसे पहले हम लेसन को आगे बढ़ाएं। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग ऑलमोस्ट फादर सा द सी वाट आर रिसीड व्हेन द ट्रेमर्स केम। प्यारे बच्चों, जब वो आनन फानी की स्थिति थी, वो सुबह आई, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। उस समय क्या था, परिवार सोया हुआ था। ऑलमोस्ट फादर द सी वाटर रिसीड। प्यारे बच्चों, रिसीड मीन्स क्या होता है, कम हो जाना, वापस होना। जो पानी था सागर का, वो कम हो गया था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। उसको समझ गया था, वह समझ गया था कि पानी किसी भी समय तेज गति से उफान पर आएगा, यानी कि तेज गति से बढ़ेगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। उसने परिवार में प्रत्येक सदस्य को जगाया, प्रत्येक सोए हुए व्यक्तियों को जगाया, चाहे उसमें पुरुष थे, महिला थे, बच्चे थे, सभी को जगाया और उनको प्रयास किया कि एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। एज दे रन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड समथिंग एंड ही फेल डाउन एज दे रन। जैसे ही वो भागने लगे, हर ग्रैंड फादर उसके दादाजी के सिर पर वॉज हिट ऑन हेड बाय समथिंग। उसके सिर के ऊपर कुछ लगा एंड ही फेल डाउन और वह नीचे गिर गया। हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम। उसका पिताजी था, वो उसको बचाने के लिए भागा। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तब एक बहुत बड़ी आकार की बहुत बड़ी लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमस मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अलमस की माताजी और उसकी चाचियाँ, वो क्लीनिंग होता है बेटे, चिपके रहना, जकड़ कर पकड़ना। अलमस मदर एंड आंट स्टूड क्लीनिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज। जो अलमस की दादी जी थी, अलमस की माँ और उसकी चाचियाँ, वो कोकोनट यानी नारियल के पेड़ को पकड़े खड़ी रही, कॉलिंग आउट टू हर, उसको आवाज़ लगाती रही। ए वेव अप रूटेड द ट्री। एक लहर थी, उसने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर रस्ट वास्ट अवे, और वे भी बह गए। अलमस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमस ने एक लकड़ी के गट्ठे को तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, तब वह बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस अवस्था में आ गई। व्हेन शी वॉक अप, जब वह जागी, शी वाज इन हॉस्पिटल इन कोमात्रा, वह कोमात्रा के एक अस्पताल में थी। फ्रॉम वेहर शी सा ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर के में ले जाया गया। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इंसिडेंट विद एनीवन। जो छोटी सी लड़की थी, वो किसी के साथ भी जो ये घटना घटी उसके बारे में बात नहीं कर सकती थी। सी इज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड, वह अभी बहुत सदमे में थी, बहुत गहरे दुख में थी, इसलिए वह किसी के साथ बात नहीं कर पाई। तो प्यारे बच्चों, आपने ये प्रश्न है, इग्नेस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। यानी कि इग्नेस था जो, वो उसने इन सभी को खो दिया। ये ट्रू बेटा, इसका आंसर है ट्रू, यस। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर सुनामी। संजीव उनको सुनामी के बाद उनको सुरक्षित स्थान पर ले गया, नहीं, क्योंकि वो जो संजीव था, एक पुलिस कांस्टेबल था, वो जो वहाँ पर विश्राम गृह में जो उसकी पत्नी थी उसको बचाने के लिए वो भी बह गया था। मेघना वाज सेव्ड बाई ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को किसने बचाया, जो
जो हेलीकॉप्टर है राहत सामग्री राहत पहुँचाने वाला उसने उसको बचा लिया था, नो बिकॉज शी डिड नॉट बिकॉज दे डिड नॉट सी हर एनी टाइम, क्यों बिकॉज मेघना सा देम इन 11 टाइम बट दे डिड नॉट केयर ऑफ इट, यानी मेघना ने उनकी चारों ओर उसकी ओर 11 बार देखा लेकिन वह उन्होंने नहीं देखा, इसलिए वह इसका पाल जाएगा। आलमस फादर रियलाइज दैट सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड, येस आलमस के पिताजी को ये बात अनुभव हो गई थी कि एक सुनामी आने वाली, येस yes, इसका आंसर ट्रू आएगा। हर मदर एंड आंट्स वर वास्ट अवे विद द ट्री दैट देवर होल्डिंग ऑन इट टू, यानी उसकी माँ उसकी चाचियाँ वो भी पानी में बह गई थी जो उन्होंने जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ा हुआ था, येस yes, यानी जो नारियल का पेड़ उन्होंने पकड़ क्लीनिंग किया था पकड़ा हुआ जकड़ कर पकड़ा हुआ था वो भी उनसे छूट गया था, यानी वो भी पानी में बह गया अपरूट हो गया था, अपरूट मीन उखड़ गया था तेज बहाव में। तो इसका प्यारे बच्चों इसका ट्रू आएगा, इसका आलमस रियलाइज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट टू द आइलैंड, यस ट्रू आएगा। इसका मेघना वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर फाल जाएगा। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर सुनामी, इसका पाल जाएगा। इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, इसका ट्रू आएगा। तो इसका ट्रू फाल्स फाल्स ट्रू एंड ट्रू, ये आंसर इसके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी इस प्रश्न को हल करेंगे, जो प्रश्न लिखवाए हैं पंचों बताए भी हैं इनको लिख के भी ले आएंगे। धन्यवाद।